पूरे देश में सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड मुख्यालय के समीप एनआरसी व सीए के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कार्यकर्ता एनआरसी व सीए के विरोध में नारे लगा रहे थे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष धनंजय कुशवाहा ने कहा कि एनआरसी व सीए जैसा काला कानून देश को गुमराह करने के लिए लाया गया है। राजद हमेशा से जन विरोधी मुद्दे के खिलाफ खड़ी है। जब तक सरकार इस हिटलर शाही कानून को वापस नहीं लेती तब तक राजद द्वारा इसका विरोध जारी रहेगा, ताकि सब लोग आपस में लड़े। जिस तरह अंग्रेज जो है हम लोग को आपस में लड़ाकर राज्य करते थे, इसी तरह लाया गया जन विरोधी कानून सीएए और एनआरसी के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना है, जिसमें हम सब बैठ के अहिंसात्मक ढंग से गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस अंबेडकर के देश में मोदी सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं इस धरने के माध्यम से, ये हिटलर शाही वाली कानून वापस ले। आज राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर एनआरसी और सीए के विरोध में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के दरमियान 5 जनवरी को नरेंद्र मोदी के पतला पुतला दहन प्रखंड मुख्यालय में थी और दूसरा कड़ी आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम सीए और एनआरसी के खिलाफ है। मुख्य उद्देश्य हम लोग का एनआरसी और सीए का विरोध का है और ये राजद की तरफ से हमारे युवा नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार के हर एक प्रखंड में आज दिनांक 11/1/2020 को रखा गया, जिसमें हम राजद के तमाम कार्यकर्तागण नेतागण सभी लोग उनके बातों पे आह्वान पे हम लोग एकत्रित होके एनआरसी और सीए के विरोध में एक शांतिपूर्वक हम लोग धरना का प्रदर्शन किए और अपने बातों को रखा और हम लोग अपना जो ये होता है एक विज्ञप्ति वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों देने जा रहे हैं लोग।